हेलो दोस्तों, आज हम लोग आए हैं हमारी कुल देवी के। देखो ये मंदिर है, सबके सब मिलके एक साथ दर्शन करने घूमने फिरने। दिखाते हैं चलो आपको हमारा मंदिर। अब हेलो दोस्तों, आज हम लोग आए हमारी कुल देवी माता जी के। देखो हमारे कुल मीणा समाज की कुल देवी है ये गोमलाडू की। तो सभी सभी गोमलाडू समाज के लोगों से अनुरोध है कि देखो ये मंदिर को देखो, अपनी कुल देवी को पहचानो। देखो क्या हालत है इस मंदिर की, और इसको बनाने में कुछ सहयोग कर सकते हो तो करो। ये देखो ये मंदिर है, देखो इसकी आज तक छत भी नहीं डली है बिल्कुल भी। देखो क्या हालत हो रखी है, ये दीवारें खड़ी हुई है। ये देखो ये मंदिर है नई के नाथ के पास में, जयपुर डिस्ट्रिक्ट में है नई के नाथ के पास में। और इसका रास्ता है बांसको के पास से होते हुए। गोमलाडू कुल की देवी है मीणा समाज के, गोमलाडू कुल की देवी। देखो ये असली मंदिर तो ये है पुराना, जो कि पहले के काल का बना हुआ है, बहुत सालों पहले का ये। और ये देखो चारों तरफ धूप ही धूप है, कितनी भयंकर धूप है। देखो सबके सब, ये देखो कितने पसीने आ रहे हैं लोग हैं। ये देखो ये लोग, हम लोग आए यहाँ पे पूछने, ये तो पूजा करने के लिए सब खड़े हैं धूप में। ये बड़ी पहाड़ पर कितना अच्छा मंदिर है पुराने समय, लेकिन इसकी किसी ने देखभाल नहीं करी। अगर कोई कुछ लोगों ने दान किया था जिससे के कारण ये दीवारें बन पाई, तो नहीं तो पहले तो ये दीवार भी नहीं बनी हुई थी। ये देखो कुछ लोगों ने थोड़े बहुत पैसे दिए हुए हैं यहाँ पे, जिसका नाम लिख रखे हैं दान करताओं के, जिसके कारण ये थोड़ी बहुत दीवार बनी थी, लेकिन ये भी आधी अधूरी रह गई। ये मंदिर है, ये देखो ये पुजारी जी, ये मंदिर की हालत ऐसे क्यों हो रखी है? अरे हालत खराब है, दुनिया पैसा ही लगाओ क्यों? या अपना समाज का बोलो कि भाई दान करे कोई गोमलाडू का, बोलवा करो ना। देख खूब कैसी है, क्यों देवी हूँ। अब बोलो ये वीडियो, अब देगा दुनिया करी। जो है यहाँ मुझे छत पड़े धूप में, परेशान हो गया। इतने भयंकर पसीने आ रहे, परेशान हो गए यहाँ पे बिल्कुल। हाँ। पसीने आ रहे हैं, धूप में खड़े हैं, नीचे से पैर डाल रहे हैं, जिससे कम से कम छत तो हो जाए इसकी। इतने पैसे तो दान करो गोमलाडू में, इतना एक भी दम नहीं है किसी में। तो भाइयों मीणा समाज के गोमलाडू कुल के जितने भी लोग हैं, सबसे अनुरोध है कि थोड़ा बहुत इसको मंदिर को बनाने में सहयोग करें। आप खुद आए यहाँ पर, पहले तो अपनी कुल देवी को जाके नमन करें कि कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है। आधे लोग तो आप में से कोई जानते भी नहीं होंगे कि हमारी कुल देवी भी है, गोमलाडू की कुल देवी। और ये माता जी का मंदिर है, इसको बनाने में सहयोग करें, जिससे कि इस पर छत कम से कम छत तो डल जाए, जो लोग आए तो यहाँ पे कम से कम छाया तो रह सके। इतनी भयंकर धूप में, धूप हो बरसात हो तो लोग आए और यहाँ पे रह सके। क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे? क्या बोलेंगे, गोमलाडू जितने भी मीणा समाज में गोमलाडू गोत्र के हैं, वो अपनी कुल देवी का ध्यान रखें और इसमें कम अधिक से अधिक सहयोग करके इसी कम से कम छत डलाने की कोशिश करें। यही मैं अपने गोत्र से के लोगों से कहना चाहता हूँ कि माता जी का थोड़ा छत डलाने में पूर्ण सहयोग करेंगे सभी मीणा समाज के लोग। इस ओर ध्यान दें, अपनी अपनी कुल देवी का मंदिर बनवाएं। ये माता जी जो यही पूजा करती हैं यहाँ पे, यही संभालती हैं। देखो पानी लेकर आई थी हमारे लिए, सबके लिए, जब हम लोग आए थे, जो इतने सारे लोग आए थे। ये पानी की टंकी है यहाँ पे, लेकिन ये पानी की व्यवस्था तक नहीं है, पानी की टंकी भी खराब है, इसमें पानी नहीं आया, पानी नहीं भरा हुआ। मीणा समाज में बढ़िया बढ़िया नौकरी, कोई आ रहा है, कोई कोई काई है, कलेक्टर है, सभी तरह के, पर यहाँ पे दुख में खड़े हमारे मन माता जी के कुछ भी नहीं।
है।